नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल में आरकेसी टेक्नोलॉजी एंड सॉन्ग्स में। तो आज हम बात करेंगे दोसान एक्सावेटर के एसी ब्लोअर मोटर में कैसे रिपेयर करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको समझो पूरा आ जाए। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने इसके जो नीचे वाले फोल्ट है जो आप देख रहे हैं ये वाला, तो इसके 5 फोल्ट है। हमने को 4 बोल्ट ही खोलना है इसका, और ये बोल्ट खोल के ऊपर बोल्ट है तो ऊपर 4 बोल्ट वो है वो खोल के, दो ये बोल्ट है तो दो स्टीरियो के बोल्ट है, 4 बोल्ट ये है और 2 बोल्ट फ्यूज बॉक्स के है। उसके बाद हमारा ये पाइप के है जो कि वेंटिलेशन के, 2 बोल्ट ये है, 2 दूसरी तरफ है। तो ये वाले बोल्ट, तो जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी के बेल आइकन पर बटन पर क्लिक कर दें। तो इस प्लेट को हम खोलने का, इसको नहीं खोलेंगे, ये उस टाइम का प्रयोग होता है जब हम उसका पूरा कूलर निकालते हैं, एवेपोरेटर निकालते हैं, इसलिए प्रयोग पूरा खोलने के लिए करते हैं। तो हम पहले खोलेंगे इसका ये डेक का जो स्क्रू होता है, हम उसका बोल्ट खोलेंगे। उसके बाद हमने ये वाला निकाल दिया है, तो ये सॉकेट हमने निकाल दिया है, तो इसके 12 नंबर का हम बोल्ट खोलेंगे। तो उसके बाद हमने ये इसके 4 बोल्ट खोलेंगे, तो हम इसको खोल लेते हैं। तो हमने इसके ये फ्यूज बॉक्स को हम साइड पे कर देते हैं, जो ये वाला है, तो इसको हम बोल्ट को खोल के हम बता देते हैं। तो वैसे ही वीडियो देखने के लिए बन रही है। इस प्रकार हम इसको अभी पाइप को खोल रहे हैं। तो ये हमने खोल दिया, उसके बाद हमने ये फ्लोर मोटर हमने इसको निकाल देना है। 3 पेच लगे हैं इसको जो कि आप देख रहे हैं, 3 है, इसको हम रिमूव करेंगे। तो उसके बाद हम इसको रिमूव करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं हम इसको निकाल रहे हैं, तो उसके बाद हम इसको बाहर ले जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसको बाहर निकाल लिया है, और हमने जो आपको ये कम्यूनेटर दिख रहा है तो हम इसको क्लीन कर देंगे, क्लीन करके सीस पेपर से। उसके बाद इस पर हम ये फिट करेंगे, पूरा क्लीन करेंगे सीआरसी से, पूरा सीआरसी लगा के उसमें पूरा अच्छे से क्लीन कर देना है। अंदर को जो उसकी वायरिंग है पूरा उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हम इसको फिट करेंगे। जो आप क्लिप देख रहे हैं जी, जैसे हॉर्न क्लिप के पीछे का होता है, तो उस पर हम एक सिरा उसको कार्बन को लगा देते हैं, तो दूसरा जो उसका क्लिप होता है उसके साथ अटैच करके उसको पिंच कर देते हैं। तो इसको पिंच करने के बाद हमने इसको उल्टा इस प्रकार हमने इसको लगा दी ना। इसके अंदर 2 स्प्रिंग होते हैं जहाँ हम कार्बन डाले हुए हैं। तो इस प्रकार हम इसको जो वायरिंग है पूरा इसको क्लीन कर लेंगे सीआरसी से। क्लीन करने के बाद सीरीज पेपर से इसको करके इस प्रकार हम इसको फिट कर देंगे। तो इस प्रकार हम फिट करने के बाद, जैसे हमने इसको फिट किया है तो आप देख सकते हैं कि हम इसको अभी लगा के इसको क्लीन करके, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो ये सॉकेट है जो कि हमारे इसमें सॉकेट लगेगी, इसके ऊपर हम बाद में अभी हम इस पर लगाएंगे प्लेट। थोड़ा सा उसमें एक जो बुश होता है उसमें हम ऑयल डाल के ऑयल लगाएंगे। तो इस प्रकार हम इस पर प्लेट लगा दिए, जो 7 नंबर के नट होते हैं, तो इस प्रकार लगा के ये हमारा आप देख रहे हैं। तो जैसे कि हमने ये लगाया, इसके अंदर पूरा पूरा बना हुआ है, जो ग्रुप बने हुए हैं इसके अंदर डालना है। तो इस प्रकार हमने इसको लगा देना है। तो दूसरा इसके बाद ये प्लेट है, ये भी हमने पूरा जो ग्रुप बने हैं इसके, जो 3 ग्रुप आप देख रहे हैं, इस प्रकार ये देखना, इस प्रकार हमने ये फिट कर देना है। तो ऐसे ही बने रहिए, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन में क्लिक कर दें, तो ऐसी नोटिफिकेशन आप मिलती रहे, ऐसी वीडियो देखते रहें। जय हिंद।